गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत नमन, आनंदी माँ को सत सत नमन, सुरेश जी को सत सत नमन और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग, आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। एनडीएस के बारे में माता जी थोड़ा बताएंगे सबको। माता जी प्लीज आप सबको एनडीएस के बारे में बताए थोड़ा सा। सर्वप्रथम हमारा परम पूज्य श्रद्धा विभी चौहान गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज 11 अगस्त 2022 आज रक्षाबंधन है, कोई कोई काल कई काल भी मान रहे हैं, तो ये रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन क्या है और एनडीएस में रक्षाबंधन कैसे करते हैं और हम कैसे करें हैं? तो रक्षाबंधन जो है ये एक भाई बहन की संबंध है, प्रेम संबंध है और भाई बहन ने भाई को राखी बांधते हैं रक्षाबंधन के लिए। उनका भाई सुरक्षा करता है बहन की और मतलब उम्र लंबा हो भाई का, इसीलिए पहनाते हैं और उपहार देते हैं भाई बहन को, बहन भाई को गिफ्ट देते हैं। ये एक पारंपरिक चली आ रही है मान्यता के रूप से, लेकिन हमारा नई भोजन प्रथा प्रणाली ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग में जब से हम आए, हम ये जो धार्मिक त्योहारे हैं इसको हम किस तरह से पालन करते हैं ताकि हमारा आध्यात्मिक भी उन्नति हो और मानसिक भी उन्नति हो, मन से भी हम तनाव रहित रहें। तो आज हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 16 साधक निर्जला फास्टिंग करे हैं और ना खाना ना पीना में रहे हैं और यही इस तरीके से हम ये रक्षाबंधन को पालन करे हैं कि हम जो असली चीज है, जो आकाश तत्व है, उसी को सबको ग्रहण करे और मंगल कामना करे, सभी के लिए शुभ कामना करे, ध्यान करे, सुमिरन करे और सभी ने दुआएं मांगे सभी के लिए और सबको यही तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये नई भोजन पथा प्रणाली को मार्ग दर्शाए, मतलब इसी को बहन भाई को या भाई बहन को जो भी ये सुनेंगे ये जरूर याद रखना है। चाहे इस राखी में नहीं कर पाए तो अगले रक्षाबंधन में जरूर करिए कि बहन भाई को और भाई बहन को अच्छा सही रास्ता दिखाना, सही मार्ग दिखाना असली रक्षा बंधन है। यही रक्षा कवच है कि हम यही हम ताबीज बोलते हैं जो निर्जला फास्टिंग को और ये ना खाना ना पीना को, मतलब हम ये नई भोजन प्रथा प्रणाली भाई को बताएं और उनको ये बताएं, जैसे हम 8 घंटा निराहार करते हैं उठते ही एनिमा लेते हैं और जब आका मतलब निर्जला खोलते हैं तब रेचक जूस क्लींजिंग जूस से खोलते हैं, खीरा करेला टमाटर का, नहीं तो खाली टमाटर की, नहीं तो हरी पत्ती में आमला डाल के जूस बनाना, नहीं तो छिलके समेत अनार को पीस के उसका जूस निकालना, सफेद पेठा का जूस, ये 5 हमारा डिटॉक्स जूस है, क्लींजिंग जूस है। तो जब हम निर्जला खोलते हैं इसी से खोलना है और उसके 1.5-2 घंटे बाद गॉड मेड फूड जैसा प्रभु ने हमको दिए हैं उसी को उसी रूप में ग्रहण करना है। अगर मतलब इसी तरीके से करें और बहन भाई को ये रास्ता बताएं, भाई बहन को भी ये रास्ता बताएं, तो ये एक बहुत अच्छा एक हमारा समाज का एक अच्छा मार्ग बन जाएगी, दवाई रहित बन जाएंगे, अब भाई भी निरोगी रह पाएंगे, अब बहन भी निरोगी रह पाएगा। ये सबसे बड़ा मंगल कामना है भाई के लिए और ये बताना, ये रास्ता बताना और उपहार देते हैं तो एनिमा पढ़ दीजिए और परम पूज्य विभी चौहान गुरु जी का पुस्तक को उपहार दीजिए ताकि वो काम आए, नहीं तो जो भी चीज हम उपहार देंगे ओ जो बना है वो टूटेगा फूटेगा नाश होगा, लेकिन ऐसा चीज दें जो उनका जीवन भर काम आए, जो उनका जीवन में मतलब एक आदर्श बन पाए, वो किसी का आदर्श बन पाए, किसी के मतलब एक नया जीवन जी पाए और आध्यात्मिक में आगे जा पाए, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो अगर हम नई भोजन प्रथा प्रणाली का मार्ग
को दर्शाएंगे भाई को या बहन को, तो ये आध्यात्मिक मार्ग में जा पाएंगे और एक प्रेम का बंधन और बढ़ेगा, ये एक भक्ति में जाएगा, ये एक हमारा पूजा में जाएगा। तो इस तरीके से हम ये रक्षाबंधन इधर हम पालन करे हैं, मतलब हम निर्जला रखे हैं सभी कोई, और सब बहुत आनंद में रहे, सब बहुत मस्ती में रहे, इधर साधक लोगों ने सभी कोई इधर बहुत अच्छे से पालन करे, और यहाँ बहुत सुंदर हमने ध्यान में भजन में रहे। तो हम नई भजन प्रथा प्रणाली का हर एक त्योहार को हम एक आध्यात्मिक रूप में ले सकते हैं और सही मार्ग अपना सकते हैं, और जो माँ प्रकृति ने जैसा दिया है उसी को उसी रूप में करते हैं। और उपवास करके एनिमा लेना है, एनिमा लेंगे तो हमारा अंदर की सफाई होगी, दिमाग की सफाई होगी, गंदगी ये हमारा निकलेगा और हमारा शरीर का शुद्धिकरण होगा और एक मैत्री भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव सबके प्रति बढ़ेगा। तो हमारा रक्षा कवच क्या हुआ, हमारा रक्षा कवच ये है कि निर्जला फास्टिंग जितना हो सके इसी को करेंगे, तो हम हमारे अंदर मतलब शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आ पाएगा, उल्टा जो है वो निकल जाएगा, उभार के आकर में आके निकल जाएगा। तो कुक फूड नहीं लेना है, कुक फूड जो छोड़ना है, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है, पैकेट बंद फूड छोड़ना है, बीड़ी सिगरेट नशा नॉन वेज ये सब छोड़ना है, त्याग करना है। तो हम इसी तरीके से पालन करें हर एक त्योहार को कि एक अपना उत्सव बनाए, उसी को एक आनंद में रहे और सभी को ये रास्ता दिखाए, तो सबको बहुत बहुत अच्छा मार्ग मिल जाएगा। तो सभी को मेरे रक्षाबंधन का यही संदेश है कि आप सबको एक रक्षा कवच बनाइए, अपने पे बनाइए, एक एक आभा मंडल क्रिएट करिए निर्जला करके, ताकि बाहर का कोई भी चीज आपको हिला ना सके, डिगा ना सके, और आप सुस्वस्थ रह पाए तन से भी मन से भी और आत्मा में आपकी स्थिति हो। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, बहुत बहुत मंगल कामना। तो अभी आप को किसी को भी सवाल पूछना है कि अनुभव सुनाना है तो आप सुना सकते हैं। हाँ जी, इसीलिए मैं बताए, हाँ जी बताइए, पूछिए। विमल जी ने हैंड रेज किया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विमल दास जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी आप पूछ सकते हैं। विमल दास जी पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर से अपने आप को म्यूट कर लिया आपने। अनम्यूट कैसे करेंगे बता दीजिए, कौन सा रेड कलर का लाइन है उसको वो थोड़ा किसको पता नहीं लगता है। हो गया माता जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आदरणीय साध्वी आनंदी माता जी को प्रणाम। थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। आदरणीय आनंदी माता जी को प्रणाम और सभी एनडीएस साधक फैमिली को ढेर सारा प्रणाम। मैं साधु विमल दास कबीर आश्रम राजस्थान कोटा राजस्थान से हूँ, और इस साधना पद्धति से लगभग 10 साल पहले से जुड़ा हूँ। तो मैं पहले इसमें मुझे ज़्यादा गंभीर समस्याएं तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा हल्का सा लीवर की ट्रबल थी और पायरिया की समस्या और आई प्रॉब्लम भी रहती थी थोड़ी सी, आधा नंबर का ग्लास लग गया था, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहता था थोड़ा बचपन से, और बीच बीच में खांसी बुखार जुकाम नजला उल्टा ये वायरल इन्फेक्शन होते रहते थे साल में एक दो बार। तो ये सब समस्याएं थी, नॉर्मली चल रही थी धीरे 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 धीरे, और हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी सहारा लिया। पहले शुरू में थोड़ा
एलोपैथी का तो भरोसा पहले से ही नहीं था, पर कभी कभी लेना पड़ता था इमरजेंसी में। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का काफी लंबे समय तक मैं सहारा लिया, योग चिकित्सा, योग प्राणायाम वगैरह, आसन वगैरह और कसरत वगैरह सबका सहारा लेने के बावजूद कोई सफलता हाथ नहीं आई और समस्या जो कि तो बनी रहती थी। बाद में जब सन 2014-12 में श्री बीबी चौहान साहब का अहमदाबाद में शिविर था, तो वहाँ हमें पहली बार जो वहाँ हमें इस शिविर में जाकर के और पहली बार पता चला कि भूल कहाँ हो रही है। तो वो भूल हो रही थी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम ले रहे हैं उसी का सारा नुकसान हम भुगत रहे थे। तो जैसे ही दूध बंद किया, और तो हमारा खाना पान पहले से ही शुद्ध ही था, लेकिन जो दूध की गलती हो रही थी वो दूध से सारी तकलीफें पैदा हो रही थी। जैसे ही दूध बंद किया तो 2-3 महीने में सब प्रकार की तकलीफों से निवृत्ति मिल गई, निजात मिल गया। और आज 10 साल हो गया तब से खांसी बुखार जुकाम और किसी भी प्रकार की तकलीफ अभी तक कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जीवन गुजर रहा है शांति से, और अपना आध्यात्मिक यात्रा भी अच्छे ढंग से प्रोग्रेस हो रही है। तो इसलिए मेरा सब लोगों को यही संदेश है, आज रक्षाबंधन का जो ये महापर्व है इस पे सब लोगों के लिए एक पवित्र संदेश है कि आप इस पवित्र साधना से जुड़ करके अपना तन मानसिक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस करें, उन्नति करें। और जो हम उल्टी सीधी दवायां खा करके, अंडा मांस मछली की दवायां खा करके जो अपने जीवन को भ्रष्ट कर रहे हैं, केमिकल युक्त तरह तरह की स्टीरोइड युक्त जो दवायां खा करके अपने स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं, और इनसे भी हम बच पाएंगे, क्योंकि हम हमारी जो मेन भूल है, मेन गलती है वह है एनिमल प्रोडक्ट जब तक हम लेते रहेंगे तब तक किसी भी दोष से बच नहीं पाए। इसलिए एनिमल प्रोडक्ट में नॉन वेज तो खतरनाक है ही, वो तो राक्षसी भोजन है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिसको हम पवित्र मानते आ रहे हैं इतने वर्षों से, दूध और दूध से बने आइटम, ये भी उतना ही खतरनाक है जितना नॉन वेज है। तो इसलिए ये करबद्ध निवेदन है कि सब लोग इस जहरीले आहार को छोड़ें और अपने आप को प्रकृति से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आप 10 साल से नई भोजन पथा प्रणाली अपना रहे हैं, तो आपका दिनचर्या बताइए। आप आग में पकाए हुआ भोजन लेते हैं क्या, कि कैसे नहीं, लेते हैं, क्या आपका दिनचर्या है? हमारा हमारा 10 साल से, जब से चौहान साहब से भेंट हुई उसके बाद में हम अभी तक हमारा बिल्कुल नेचुरल चलता है, आग में पकाया हुआ का काम नहीं है, बिल्कुल नेचुरल डाइट चलती है। और वो भी जो सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे 12-1 बजे तक तो निर्जला चलता है हमेशा ही, और फिर ग्रीन जूस ले लेते हैं, फिर उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में फिर कोई मौसम का फल हो तो फल ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में कोई वेजिटेबल सलाद ले लेते हैं शाम तक, बस हो गया काम। फिर ज्यादा रात में तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं, 3-4 बजे खत्म हो जाता है, ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं, बस यही डाइट है हमारी। इसमें ज्यादा डाइट की भी जरूरत नहीं रह जाती, जैसे हम प्रकृति से जितना जुड़ेंगे और हमारी जीवनी शक्ति वाइटल पावर जितनी विकसित होती जाएगी तो फिर ज्यादा हमें खाने की भी जरूरत नहीं रह जाती। आज हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि पहले सारे दिन खाना पड़ता था फिर भी कम पड़ता था, और अब थोड़े से में भी काम हो जाता है। दिन भर अगर 1 गिलास जूस भी मिल जाए उसमें भी आराम से एक दिन निकल जाता है, कोई कोई किसी प्रकार की मुसीबत नहीं होती है, और एनर्जी लेवल भरपूर बना रहता है, ताजगी बनी रहती है, फ्रेशनेस बनी रहती है, और थकान और कमजोरी का तो नामो निशान ही नहीं रहता। आपका वेट कितना है भी बता दीजिए साधकों को। हाँ, हमारा वेट अभी
48 से 50 के बीच में रहता है, 48 से 50 के बीच में रहता है, 48 to 50 के लगभग कांस्टेंट रहती है। हाँ कांस्टेंट रहता है, इससे घटना बटना नहीं है, इतना ही रहता है, और ज्यादातर हमारा तो निर्जला ही चलता है। अभी हम जूनागढ़ गिरनार पर्वत पे यहाँ रह रहे हैं, पर्वतों पे, तो इसलिए अभी हमें जो यहाँ क्या है कि एक तो बिजली जा रही है, इसलिए हमारा चित्र भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा शायद, हाँ क्योंकि नहीं यहाँ आ बिजली रही। गई हुई है। अभी यहाँ जंगल में बिजली तो आ नहीं रही, अभी बिजली चली जाती है रात में यहाँ, तो इसलिए आवाज आवाज ही सुनाई पड़ रही है आपको। तो तो एक क्या है, आपने कोई हेलो, कमजोरी फील नहीं करते हैं? 10 साल से कर रहे हैं, वीकनेस नहीं है? लोगों ने नहीं, बहुत प्रश्न कमजोरी करते कमजोरी तो हैं। पहले होती थी, जब वो खाते थे दूध माल मलिदा सब खाते थे तब बहुत कमजोरी होती थी, अनाज का सेवन करते थे वो सब कमजोरी लगती थी। अभी तो कमजोरी हो मुझे का तो नामो निशान ही नहीं, अब तो जैसे कोई हवा में उड़ने के समान बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर हो गया है, और कमजोरी आलस्य सुस्ती नाम की चीज नहीं रहती है, और 24 घंटा एनर्जेटिक बना रहता है शरीर में, कोई किसी प्रकार की थकान कमजोरी सुस्ती कोई बोध नहीं आता है। और यहाँ तक कि अब जो झुरिया मांस, पड़ा, कोई जैसे लोग बोलते हैं झुरिया पड़ गई, मसल्स लूज हो गया, ये सब चीजें होती है, तो आपका अभी सब ठीक है? नहीं, हमारा तो ठीक है, अभी 43 एज है हमारी, एज फोर्टी जी थ्री है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे तो पहले जैसे मैं बता रहा हूँ ना, पहले आज के जो 10 साल पहले हम दूध पीते थे तो पायरिया की समस्या से जूझ रहे थे हम कम से कम 10-15 साल से, पायरिया दांतों में खून, टमाटर भी नहीं खा पाते थे हम, और इतनी प्रॉब्लम रहती थी, अगर टमाटर भी खाए तो उसमें भी दांतों में खिलने की समस्या, खून मवाद आना, ये सब समस्या से जूझ रहे थे। और बाद में धीरे धीरे जैसे नेचुरल डाइट सिस्टम पे आए तो ये जूस लिया 2-3 महीने तक, तो उसकी स्मूथी बना के लिया, क्योंकि चबाने के काबिल तो थे नहीं दांत, तो इसलिए धीरे धीरे स्मूथी जूस से 2-3 महीने में रिकवरी मिली, और फिर तब से रिकवरी मिली जब से आज दिन तक पायरिया का नामो निशान नहीं है। अब तो हम गन्ना भी चबा लेते हैं, गाजर मूली कोई भी कठोर से कठोर कोई भी चीज दांतों से चबा लेते हैं। आंखों में आधा नंबर का दूर का चश्मा लग गया था, वो चश्मा भी 3-4 महीने में सब छूट गया, चश्मा वश्मा। और उसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये बनी रहती थी 10-15 साल से, उससे भी निजात मिल गया। तो इस तरह से ये नॉर्मल, और खांसी बुखार जुकाम जो आए दिन नॉर्मल, जो वायरल इन्फेक्शन 12 महीने में 1-2 बार जो होती थी, जो मेडिकल डॉक्टर हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता था, और इनसे भी छुटकारा मिल गया। अभी वो सब समस्याओं से हमेशा के लिए पूरी तरह से आमूलचूल छुटकारा मिल गया, अब कोई समस्या नहीं है, और आध्यात्मिक प्रगति भी जबरदस्त हो रही है। अब ज्यादा हर समय मतलब जीवन अटेंटिव और ध्यान में बना रहता है, ज्यादा अपने विचारों की जो जो जहाँ विकृति है वो भी सद विचारों में बदल जाती है, जो विकृत विचार है वो भी सद विचारों में चेंज हो जाता है, उसमें कोई प्रकार का, जैसे लोग प्रयास करते हैं दुनिया भर का प्रयास करते रहते हैं विचारों को बदलने का, लेकिन इस ये स्वाभाविक रूप से अपने आप ही इस सिस्टम को करने से विचारों में करना कन्वर्शन हो जाता है। नहीं पड़ता है, अपने आप फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, अपने आप चला जाता है, विचार करने की और जरूरत नहीं पड़ती, प्रयास। हाँ ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ और अच्छा एनिमा पढ़ते हेलो, हैं? एनिमा एनिमा हाँ लेते वो थे? हाँ ये एनिमा तो हमने पहले दिया कम से कम 2-4 महीने तक, पहले शुरुआत में लिया था, फिर बाद में तो एनिमा की जरूरत नहीं पड़ती है कभी, अब जब निर्जला करते हैं लंबा तो फिर उसमें जरूरत पड़ जाती है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा संदेश और दिया, बहुत ये धन्यवाद। और हम तो जो है ना, जो आपका आपके ये जो वीडियो देखते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं, और बड़ी खुशी, हृदय से खुशी मिलती है कि आप बहुत बढ़िया नेक काम कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया सेवा का आपका निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा प्रकल्प चल रहा है, तो
बहुत बहुत आभार है वंदना आपको। धन्यवाद। हाँ हाँ जी, वैसे आपका निर्जला का बहुत लंबा जो ये अनुभव है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव है। जी जी इतना लंबा निर्जला तो हमने नहीं किया है और ऐसे 2-4-5 दिन तक तो कर रखा है, लेकिन आप जो 15-15 दिन के करते हैं इतना लंबा तो नहीं किया है, 5-5 दिन तक का तो अभ्यास है। और वैसे और फिर इतने लंबे समय से पूरा कंप्लीटली कच्चे पे रहते हैं तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप हो जाता है अंदर से। अगर कोई प्रेरणा हाँ आती है करना नहीं हाँ पड़ता, अपने आप एक एक दिन के हो जाता है और एक एक दिन के बढ़ जाता है। हमने भी जब हाँ 15 दिन चला करे थे, सोचे नहीं थे 15 दिन हाँ करेंगे बोल के, ऐसे 8 दिन 7-9 दिन का ऐसे ही सोचे थे 7 दिन, लेकिन कोई करवाता गया, मतलब हम नहीं सोचे थे, एक एक दिन करके बढ़े तो कोई एक एक हाँ दिन करके करवाता गया तो होता गया, ये हाँ मतलब सोचने से नहीं होता है, अपने आप होता है ये चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी हमारे एक साधक थे यहाँ जो जालोर जिला कबीर आश्रम में रहते थे, तो उनको भी हमने इस राह से जोड़ा है, धर्म की राह से, अभी 1 महीना पहले से। तो उनको भी क्या है कि लंबे समय से दूध दही माल मलिदा खा करके बहुत इनको तकलीफें थी, नजला जुकाम बार बार नोच फलो ऐसा होता रहता था और चरम रोग से पीड़ित भी थे। तो उनको इस धर्म की राह से जोड़ करके और ये दूध बंद करवाया और अभी यहाँ गिरनार के पर्वत पर भी उनको एनडीएस से चला रहे हैं। तो अभी उनका 1 महीने में ही उनका वो नजला और वो जो नोज फ्लो होता रहता था बार बार जुकाम और नाके टपकती रहती थी उससे निवृत्ति मिल गई पूरी तरह से, कफ निकल गया पूरा और अब केवल उनका चरम रोग थोड़ा बचा है। वो चरम रोग कम से कम 60-70% चरम रोग में भी फायदा मिला है। बहुत अच्छी बात। तो कबीर जी की एक दोहा सुना दीजिए। कबीर साहब ने कहा है देखो ये मैं ये जो अपना प्राकृतिक सिस्टम से मिलता जुलता एक इसका समर्थन करने वाला एक सपोर्टिंग एक दोहा बता रहा हूं मैं आपको। वो कबीर साहब ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि अंकुरज भके सो मानवा जीव मांस भके सो स्वान जीव बदे सो काले सदा नरक परवान। यानी कि अंकुरज यानी कि धरती पे जो पैदा हो रहा है जो वनस्पति जगत है जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जिसका बखान गाया है वह वर्णन आया है, तो उसी चीज को कबीर साहब कह रहे हैं कि अंकुरज भके सो मानवा ये मनुष्य का जो पवित्र आहार है स्वास्थ्य वर्धक और उपयोगी आहार है और उनके जो संपूर्ण जीवन की सुरक्षा करने वाला जो आहार है वो प्राकृतिक आहार है नैसर्गिक आहार है। अंकुरज भके सो मानवा यानी कि जो कंद मूल फल पान पत्तियां जो सेवन करता है वही मनुष्य का आहार है और बाकी जैसे मांस भके सो स्वान, स्वान कहते हैं कुत्ते को, मांस कुत्ते का भोजन है, मांस खाता है, मांस मटन अंडा मांस मछली जो भी लोग खाते हैं जी, तो वो कुत्ते का भोजन है। और इसके अलावा जैसे जीव बदे सो काले जीव को काट काट के मार मार के लोग जीव बद करके पका के खा रहे हैं फिर, तो वो तो राक्षसी भोजन है और वो नरक का अधिकारी है ऐसे कबीर साहब कह रहे। तो ये इस अपने साधना पद्धति से इसका समर्थन करने वाला और इससे मिलते जुलता जो ये सर्व धर्म ग्रंथों में सब हर महापुरुषों की वाणियों में ये इसका समर्थन हो रहा है लेकिन इंसान चूक रहा है। आज हम देखते हैं कि सब धर्म आश्रम बड़े बड़े धार्मिक कहलाने वाले लोग जो अंडा मांस मछली की दवाएं खा रहे हैं दूध भी पी रहे हैं, एक तरफ तो दूध का गिलास कटोरा रखा है बढ़िया मलाईदार और दूसरी तरफ जो है कफ नजला पटक रहे हैं एक गिलास में, एक गिलास दूसरा रखा है जिसमें कफ भी पटक रहे हैं साथ साथ, कब बन रहा है उनके बलगम बन रहा है और एक तरफ दूध भी पीते जा रहे हैं। इतना मतलब खतरनाक काम चल रहा है, लोगों को समझ ही नहीं लगती कि हम एनिमल प्रोडक्ट खा पी करके कब सुखी स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। इससे तो और ज्यादा
नरक की राह हम क्लियर करते जा रहे हैं, नरक की राह में मुंह देते जा रहे हैं ज्यादा। और ये जो आदमी का जब तक आहार नहीं सुधरेगा तब तक उसके जीवन में सुख शांति कभी आ ही नहीं पाएगी, और विचारों की समृद्धि भी नहीं आ पाएगी, विचार भी सही नहीं हो पाए। जब विचार ही सही नहीं होगा आचार भी कहाँ सही हो पाएगा, फिर तो आचरण भी बिगड़ेगा और पूरा जीवन ही बिगड़ेगा। तो इसी तरह से ये जो साहिब कबीर का संदेश यही है कि अंकुरज बके सो मानवा, मांस बके सो स्वान, जीव बदे सो काल सदा नरक परवान। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा बात सुनाए, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि वंदन, और आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर ऐसे। चलो प्रीति जी देखो फिर और कौन है। हाँ जी जितेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार माता जी, नमस्कार प्रीति जी, सुरेश भैया नमस्ते। मुझे तो यही प्रश्न था जो माता जी ने पूछ लिया विमल दास को, विमल जी को पूछना था स्वामी जी को कि आप एनिमा कभी करते हैं और उसका क्या प्रयोग करते हैं, कैसे किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, वही जानना था। वो माता जी ने पूछ लिया बस, तो और कुछ नहीं था। ओके थैंक यू, धन्यवाद जी। और कोई साधक है? जो कोई क्वेश्चन करना चाहता है अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अगर किसी साधक का कोई अनुभव है तो वो भी यहाँ बता सकते हैं, वो भी अपने आप को अनम्यूट कर लें। माँ कोमल जुड़ी हुई आज, माँ कोमल, कोमल जुड़ी हुई, तो कोमल को बोलिए उनका अनुभव सुनाने के लिए। हाँ जी कोमल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आदरणीय आनंदी माँ को मेरा प्रणाम, सुरेश भाई जी को प्रणाम। हेलो, हाँ जी बताइए, सुनाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, मैं एनडीएस से 2020 में जुड़ी थी, उससे पहले मुझे 2019 में ब्रेस्ट कैंसर थी, तो मतलब ब्रेस्ट में पस होने की वजह से मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टरों ने एक साल तक ट्रीटमेंट करने के बाद मतलब 11-12 ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि अब ब्रेस्ट को पूरा निकालेंगे, पर एज ना होने की वजह से वो मेरी ब्रेस्ट भी नहीं निकाल सके, और उसके बावजूद मतलब ब्रेस्ट में बराबर मतलब तकलीफ वगैरह होने की वजह से उसमें बार बार ऑपरेशन करते रहे, कभी टीवी की दवाई, कभी कैंसर की, कभी कुछ टेस्ट, कभी कुछ टेस्ट, 1-1.5 साल तक काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो जो आनंदी माँ के पास योगेश आए हुए हैं तो उन्होंने मुझे एनडीएस से जोड़ा, और उसकी वजह से मैं आज, मुझे 2 साल हो गए, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी सभी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। जिन डॉक्टरों ने मुझे ये बोल दिया, आप क्या करें बताइए, क्या करें, कैसे करें जो आपका रिपोर्ट नॉर्मल आया, क्योंकि बहुत लोग यहाँ साधक लोग आते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो आप आपका अनुभव बताइए आप क्या करें। स्टार्टिंग में जब मैंने एनडीएस शुरू किया था, मुझे बताया गया था, तो मैंने 2 दिन मतलब 2 दिन का करके तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि चलो भी मतलब टाइम तो खत्म हो ही गया, तो खा पी के ही मर जाऊंगी ऐसे ही, जैसे मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब तो खत्म ही है सब कुछ, सभी जगह पे टेस्ट वगैरह करवा लिए थे। तब अपने मतलब मेरा छोटा सा बच्चा था तो मैं उसकी तरफ देखती थी, तो काफी मतलब दिल रोता भी था, भाई नहीं अभी नहीं। तो मुझे बताया गया जैसे एनडीएस के बारे में योगेश ने और ये अंजुम, तो मैंने ट्राई किया, तो स्टार्टिंग में मैंने 2 महीने सिर्फ सुबह 4 बजे एनिमा लेके मैंने तीनों टाइम एनिमा लिया, उसके बाद पूरा दिन निर्जला फास्टिंग करके सिर्फ शाम को 1 गिलास करेला टमाटर और खीरे का जूस बना के पिया, उसके बाद वो भी मतलब उल्टी से निकल जाता था पूरे लगातार 2 महीने। और जो मेरी मतलब ब्रेस्ट के अंदर जो मेरे, एक ही जूस पिया आपने, खीरा करेला टमाटर 2 महीने खाली? 2 महीने मैंने यही जूस लिया, मतलब सुबह जैसे 4 बजे में उठ के एनिमल लेती थी तो मैं शाम को 7 बजे ये जूस लेती थी सिर्फ 1 गिलास।
मैंने 2 महीने तक बिल्कुल भी कुछ नहीं लिया, और जो मतलब मेरी ब्रेस्ट में पस बनी हुई थी, डॉक्टरों ने पूरी ब्रेस्ट निकालने को बोल दिया था, तो वो पस अपने आप ही, जब मैंने ये एनडीएस स्टार्ट किया, निर्जला फास्टिंग स्टार्ट की, तो 10 दिन के बाद वो पस अपने आप ही एक हल्का सा सुई जितना छेद होके खुद ही सारी पस बाहर निकल आई, बिना किसी अच्छा। ऑपरेशन के वो सब अपने आप ही मतलब बिल्कुल ही क्लियर क्लियर हो गया। तो जब मैंने 2-3 महीने के बाद मैंने टेस्ट करवाया, तो मेरी ब्रेस्ट मतलब उसमें ना कोई पेन था, वो नॉर्मली थी, सब रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल ही आई। उसके बाद मुझे आज तक कोई भी, हाँ जी मैम, आपका 3 महीने बाद नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। हाँ जी, मेरी 3 महीने बाद नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। तो उसके बाद भी मैंने, 2 महीने तक आपने एक ही जूस पे रहे, 7 बजे हाँ जी लिए। हाँ जी हाँ जी, 2 महीने तक मैं सिर्फ एक ही जूस पे रही, उसमें मैं एक करेला ऐड करती थी, एक टमाटर और एक खीरा, अच्छा, उसको मतलब उसको पीने के बाद मुझे एकदम से उल्टी आ जाती थी, पर मैंने उसके अलावा कुछ नहीं लिया। उसके बाद अच्छा मतलब जैसे उन्होंने बताया, डॉक्टर जरना पटेल से कांटेक्ट हुआ, और एक वो एक डॉक्टर होते हैं एनडीएस के, तो उन्होंने जैसे फ्रूट जूस, जौ वगैरह बो के, इन चीजों का जूस, पत्तों वगैरह का, जो भी कुछ मेरे पास होता था ना मतलब घर में ही, जो मेरे घर में होता था, मैं उसी उन्हीं पत्तियों वगैरह का जूस लेती थी। उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने 6 महीने के बाद फ्रूट जूस लेना शुरू किया था। 6 महीने तक आप हरी पत्ती का रस और वेजिटेबल जूस पे रहे, तो हाँ जी 3 महीने का नॉर्मल होने के बाद आपने फिर रसाहार पे रहे। हाँ जी, मैं उसके बाद भी रसाहार पे रही। मैंने मतलब मुझे विश्वास नहीं होता, जब मैंने टेस्ट करवाए, मेरे सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, तो उसके बाद मैंने 1 मंथ बाद दोबारा फिर टेस्ट करवाए, मतलब 1 साल के अंदर अंदर मैंने हर मंथ टेस्ट करवाए, कि कभी कुछ मतलब एक टेस्ट में गलत तो अगले में सही आ जाए, तो मेरे सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, अच्छा, तो आप जिसमें मतलब डॉक्टर ने, हाँ जी, कितने महीने टोटल रसाहार में रहे? अच्छा, मैं टोटल 6 महीने रसाहार में रही। उसमें मैंने बिल्कुल भी कुछ भी पका हुआ नहीं खाया, कोई फ्रूट नहीं खाया, सिर्फ मैंने लिक्विड रस एक स्टार्टिंग के 2 महीने एक टाइम पिया, उसके बाद मैंने एनीमा मैंने 3 टाइम लिया, उसके बाद मैंने जूस 2 टाइम कर दिया था। 2 टाइम कितने दिन, कितने महीने लिए? 2 टाइम मैंने 2 महीने फिर लिया, मतलब 6 महीने तक मैं सिर्फ जूस जूस पे रही। अगर जो मुझे बीच मतलब वैसे तो कुछ रहता ही नहीं था कि भूख है या कुछ भी है, पर उसके बाद जैसे मतलब फ्रूट जूस वगैरह हल्का फुल्का सा लेने लग गई थी, बस यही था, वैसे कुछ खाया पिया नहीं। और जो मतलब वेट कम डॉक्टर्स ने हो गई बताया, थी? हाँ वेट कितना जी, था? वेट कम हो गई थी? वेट जब मैंने स्टार्टिंग में एनडीएस शुरू किया था, तो उस टाइम मेरा वेट 95 था, और अच्छा जब जी, मतलब 1 महीने 2 महीने के बाद मेरा वेट 60 के आसपास हो गया था, उसके बाद 55 तक वेट चला गया था मेरा, मतलब इससे कम तो नहीं हुआ, 55 तक ही रहा। और जो मतलब डॉक्टर्स ने टीवी बताया था, कैंसर बताया था, पूरी ब्रेस्ट निकालेंगे, वो सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं रहा, वो सब कुछ चीज क्लियर होगी। और डॉक्टर ने लास्ट में बोला था कि उसके, मैंने डॉक्टर को बोला कि ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी है, तो डॉक्टर बोले कि आगे आपकी किस्मत है। तो मेरे को एनडीएस के बारे में उसी दिन रात को पता चला था, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तो मेरे पास फोन आया, अंजू का ये रिलेशन में मेरी आंटी लगती हैं, तो मैं रात को काफी रो रही थी उस टाइम पे, तो इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके योगेश एनडीएस से जुड़ा है, तू भी वो करके देख एक बार। तो मैंने इनके कहने से मतलब मेरी जो जिंदगी है वो मुझे योगेश और अंजू ने ही दी है, और एनडीएस की वजह से मिली है। और जोगेश को नया जिंदगी सुरेश बेटा ने दिए, तो हाँ जी सुरेश बेटा पे पहले नंबर में आ गए क्योंकि अच्छा उन्हीं को भी नया जिंदगी न्यू डाइट सिस्टम से मिला था, वो भी मल्टी कैंसर से ठीक हुए हैं। हाँ जी, मैं उसके बाद मैं उस डॉक्टर के पास भी गई थी कि मैं अपनी किस्मत से जीत गई। उन्होंने बोला था ना कि आगे आपकी किस्मत है, आपके साथ क्या होगा, मतलब इतने ऑपरेशन होने के बाद भी, 10-11 ऑपरेशन होने के बाद भी, और उनमें कई ऑपरेशन तो ऐसे होते थे कि वो बिना बेहोश किए, बिना सुन किए ऐसे ही कर देते,
मतलब उसमें इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती थी, वो ब्रेस्ट में डेली सफाई करवानी, पट्टी करवानी, डेली ड्रेसिंग वगैरह करवानी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छा। तो अभी आप क्या ले रहे हैं, आपका डाइट क्या है? मैं अभी तो 12-1 बजे तक तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, मतलब अब मैं फ्रूट जूस लेती हूँ, मौसमी जूस, उसके बाद मैं एक टाइम खाना खाती हूँ। खाना खाना बंद कर दो, ये मेरी सलाह ओके। है। आप अगर सही मानोगे तो आग में पकाया हुआ भोजन खाना नहीं खाना है, और आप नॉर्मल गॉडमेड फूड लीजिए, और गॉडमेड फूड जूस वगैरह लीजिए तो बहुत सही रहेगा, ठीक है? हाँ जी तो आनंदी आप मैम, कोशिश करिए, और वो थोड़ा छोड़ दीजिए, ये चीज हमको सही नहीं बैठेगा, है ना? हाँ जी। वैसे मैंने इसके बारे में कई, मतलब काफी मेरे पास उसके बाद फोन भी आए, क्योंकि मतलब जैसे होता है ना कि सभी को पता लग जाता है कि भाई इसको ये बीमारी है, मुश्किल बचेगी, ये वो, उसके बाद सबको दिखता है भी हाँ बिल्कुल ठीक हो गई, कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो उसके बाद मैंने कईयों को बता दिया, एनडीएस से काफी लोगों को जोड़ दिया है कि एनडीएस सबसे बेस्ट है, किसी डॉक्टर चलो। के पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्योंकि मैंने दवाई इतने इतने बड़े बड़े इतने महंगे महंगे हॉस्पिटलों में ना, मतलब काफी ज्यादा पैसा वेस्ट कर दिया था सिर्फ एक चीज के लिए, और उसमें भी किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को मेरी बीमारी का नहीं पता लगा कि इसको है क्या। सिर्फ वो अपना एक्सपेरिमेंट करते थे कि देखते हैं चलो एक बार खोल के क्या इसके अंदर है, अगर कोई गांठ हुई तो निकाल देंगे, अगर पस हुई तो खुला छोड़ देंगे, बस ऐसे ही चलता रहा। मतलब हर एक डॉक्टर का प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा, और ये तकरीबन 1.5 साल तक कंटिन्यू चलता रहा। चलो, बहुत अच्छा। सुरेश बेटा ने कोई इनको थोड़ा सलाह दीजिए, ये क्या करेंगे? आप कैंसर से ठीक हुए हैं तो इनको थोड़ा, सुरेश भाई को ये कर दीजिए, वो एक लाइन बता देंगे, समय हो रहा है तो कोमल ये जी, बात। सबसे बड़ी बात, आपने जो खाना शुरू किया है एक टाइम का, उसको बिल्कुल जल्दी छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, हाँ, जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दीजिए। जो हमारा रास्ता अपनाया था उसी पे आ जाइए वापसी। और ये चीज नीतिका जुड़ी होंगी दिल्ली से, देखना। हाँ जी अभी तो टाइम बस 1 ही मिनट भी नहीं बची है, आज तो और सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एक बार देखो दिल्ली से, थोड़ा ऋतिका कर नाम, दीजिए। ऋतिका नाम तो नहीं दिख रहा, ऋतिका प्लीज आवाज आ रही है?